उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के परिणाम घोषित होने के बाद समाजवादी पार्टी के नव निर्वाचित विधायकों की आज पार्टी दफ्तर में बैठक हुई। इस बैठक में शामिल होने के लिए सुबह से ही हलचल शुरू हो गई थी, लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि विधायक दल की बैठक में शिवपाल यादव को नहीं बुलाया गया। शिवपाल को इस बैठक के लिए न्योता भी नहीं दिया गया था। वहीं आज विधायक दल की बैठक में पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव की मौजूदगी में नेता प्रतिपक्ष के नाम पर मोहर लगी। साथ ही अखिलेश यादव को विधायक दल का नेता भी चुना गया। ज्ञानेंद्र जी, कुल मिलाकर कह सकते हैं कि इस बात के कयास तो नहीं लगाए जा रहे थे, क्योंकि चुनाव जिस हिसाब से यहां पर निकलकर सामने आया और समाजवादी पार्टी की ओर से जिन सीटों पर जीत हासिल की गई, तो अचानक से ही चाचा को नहीं बुलाना, क्या कुछ मायने निकलते हैं इसके? देखिए, ये सुबह से ये सबसे बड़ी खबर ये आई थी कि शिवपाल सिंह यादव की नाराजगी काफी ज्यादा हो गई थी। उन्होंने कहा था मुझे कोई जानकारी नहीं दी गई इस बैठक के बाबत और मैं इटावा जा रहा हूँ, और इटावा जाने की बात कहकर उनकी नाराजगी सामने आ गई। हालांकि उसके बाद से ये प्रक्रिया पूरी हुई जिसमें अखिलेश यादव को समाजवादी पार्टी के विधानमंडल का नेता चुना गया और ये भी तय हो गया कि सबसे बड़ी पार्टी का जब नेता चुना गया तो वो नेता प्रतिपक्ष की भूमिका निभाएंगे, जिसको लेकर पहले से भी कई कयास लग रहे थे। लेकिन अब शिवपाल सिंह यादव की नाराजगी के बाद नरेश उत्तम पटेल जो प्रदेश अध्यक्ष समाजवादी पार्टी से, उनका ये बयान आया है कि आज की बैठक में सिर्फ समाजवादी पार्टी के ही लोग शामिल थे, जो सहयोगी दल थे उनको लोगों को शामिल नहीं किया गया था। उसमें संजीव पटेल जो तिरासू ने जिन्होंने केशव मौर्य को हटाया था, तो संजीव पटेल भी शामिल नहीं थी। और उनका ये भी कहना था शिवपाल सिंह यादव ये क्योंकि प्रगतिशील समाजवादी पार्टी लोहिया एक नई पार्टी अलग पार्टी है जो सहयोगी दल की भूमिका में थी और इन सारे सहयोगी दलों को वो 28 तारीख को बुलाएंगे, उस बैठक में हिस्सा लेंगे। लेकिन फिर हमारे बात बड़ी टीकर है कि शिवपाल सिंह यादव जो समाजवादी पार्टी के ही टिकट से चुनाव लड़े थे, तो ऐसे में उनका ना बुलाया जाना समाजवादी पार्टी के विधायकों की बैठक में ये बड़े सवाल भी खड़े करता, और यही वजह थी कि शिवपाल सिंह यादव ने अपनी नाराजगी का अपने एहसास भी उन्होंने जताया और नाराजगी को जताते हुए सेल्फी जताते हुए इटावा जाने की बात की। ज्ञानेंद्र जी, अगर हम चुनाव की बात करें तो बेशक यहाँ पर सहयोगी पार्टी के तौर पर कह सकते हैं कि चाचा ने यहाँ अखिलेश का समर्थन किया, उनके साथ चुनाव लड़ा, लेकिन इस दरमियान की अगर हम बात करें तो इस दरमियान भी उन्होंने बहुत सारे ऐसे बयान दिए थे, कुल मिलाकर कह सकते थे कि वो खुश होकर यहाँ पर अखिलेश यादव के साथ नहीं थे, मजबूरी थी इसलिए वो उनके साथ थे, और यही बात जानते हुए अखिलेश यादव ने बैठक में नहीं बुलाया। देखिए, बिल्कुल, जब चुनाव में भी अखिलेश यादव बहुत बार ही इनके पास पहुंचे थे, जैसे पहले वो तमाम दूसरे दलों के साथ चाहे वो रालोद हो, चाहे अपना दल कंदेरावादी पार्टी हो, अनुप्रिया पटेल की जो मां की पार्टी है रश्मा पटेल की, वो सबसे उनसे बातचीत कर रही थी, लेकिन अपने चाचा के साथ उनकी सबसे बाद बातचीत हुई उनके पास गए, और उसके बाद भी ये बात आई सामने की सदस्य समाजवादी पार्टी जिसके शिवपाल सिंह यादव है वो चाह रहे थे कि 100 सीटों को उनको दिया जाए, लेकिन 100 सीटें तो हालांकि संभव भले नहीं थी, लेकिन तभी 15 से 20 सीटों की बात चली, आखिर में बात आकर सिर्फ 1 जसवंत नगर की सीट में दी गई, तो उनकी नाराजगी कल की जाहिर थी, लेकिन सियासी उनकी दबाव भी था, मजबूरी भी थी, वो उन्होंने उस वक्त तो मुका नहीं है, लेकिन आज उनकी कल्पना ये बता रही है कि इस तरह से ही उनके अंदर कहीं ना कहीं नाराजगी के भाव आ गए थे जो आज से मुका होने शुरू हो गए। ठीक है, ज्ञानेंद्र जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपको बता दें, शिवपाल यादव को आज बैठक में नहीं बुलाया गया, हालांकि उन्होंने कहा कि पिछले 2 दिन से लगातार वो इंतजार कर रहे थे कि इस बैठक में उन्हें बुलाया जाएगा, लेकिन उन्हें इस बैठक में शामिल नहीं किया गया। वहीं अगर हम समाजवादी पार्टी की बात करें तो समाजवादी पार्टी के नेताओं का ये कहना है कि आज जो बैठक का आयोजन किया गया था उसमें सिर्फ समाजवादी पार्टी के नेतागण ही शामिल हुए थे, सहयोगी पार्टी के नेताओं को नहीं बुलाया गया था।